अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजी नाज़रीन किराम, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आज सारे मुल्क में ईवीएम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है और भारत के अवाम ये जान चुके हैं कि मौजूदा जो सरकार दो मर्तबा जीत कर अन्ना ने इख्तदार को संभाला है, ये ईवीएम की हेरा फेरी के ज़रिए से इन्होंने इख्तदार हासिल किया है और इनके कई एमएलए एमपी इस बात का खुले तौर पर ये ऐलान भी किए थे कि आप बटन किसी भी जो है ना पार्टी के लिए दबाइए, वो वोट जो है ना कमल को ही पड़ेगा। तो यहाँ खुली तौर पर धांधली सीना ठोकर, जैसा कि हमारा हैदराबाद का मुहावरा है, चोरी सो चोरी ऊपर से सीना दोरी, तो ये काम आज हमारी भारत की बीजेपी सरकार कर रही है। तो इसके खिलाफ जम्हूरियत को बचाने के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए, जो एक ज़माने से भारत में एक तहरीक चल रही है कि मिशन दस्तूर बचाओ, तो वो तहरीक की शाख अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में वो भी काम कर रही है। तो इसी के तहत आज जो पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और दूसरे इलाकों में भी ईवीएम के ख़िलाफ़ मुसलसिल एहतजाज हो रहा है, तो अब साउथ की तरफ से अभी तक कोई जो है ना हमारे पास ऐसा एहतजाज नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, और ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि हमारे शहर और तेलंगाना के जितने भी दीनी मिल्ली समाजी तंजीमें हैं और जितने भी सोशल वर्क करने वाले हैं और सियासी जमातों के भी नुमाइंदे हैं, सब ने इस बात का तहिया किया है कि अब हम साउथ से एक यहाँ से तूफान खड़ा करेंगे और मरकजी सरकार को बताएंगे कि हम जो है ना इस ईवीएम के खुले तौर पर हम खिलाफ हैं और ईवीएम को हम जो ना रद्द करते हैं। तो इसीलिए नारा दिया गया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ दस्तूर बचाओ, और अब की बार बैलेट पेपर सरकार, ये नारा है। तो साउथ में और हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उर्दू घर मुगलपुरे में एक कुल जमाती मशावरती इजलास रखा गया है, जिसमें दीनी मिल्ली समाजी और सियासी तंजीमों को भी जो है ना मदु किया गया है। और उसके बाद हम रमज़ान शरीफ से बहुत पहले एक एहतजाजी प्रोग्राम हम तरतीब देंगे और जिसमें महमूद प्राचा साहब भी जो है ना शरीक होंगे, और भी जो ईवीएम के खिलाफ जो जहदकार है उनको भी जो है ना इन्वाइट किया जा रहा है, और हमारे मुल्क के दीगर जो है ना हमारे स्टेट से भी जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको भी मदु किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज एक तारीखी रहेगा और शहर हैदराबाद से एक तूफान उठेगा। तो मैं इस प्रेस मीट के जरिए हमारे तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद के तमाम जमातों के नुमाइंदा हजरात से मैं ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि आप जुमा के दिन उर्दू घर मोहलपुरे में बाद नमाज मगरिब के तशरीफ लाइए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपने जर्रीन मशवरों से नवाजिए। हम तमाम मिलकर एक मुत्तहिदा तौर पर अब हम जो है ना एक लाहे अमल तरतीब देकर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। और ये मीटिंग रखने का मकसद ये है, ये किसी एक तंजीम एक फरीक का काम नहीं है बल्कि तमाम भारतीयों का काम है जो सेकुलरिज्म पर जिसका इखान है, जो जमहूरियत बचाना चाहते हैं, जो दस्तूर बचाना चाहते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग जो है ना इंशाअल्लाह उर्दू घर मुगलपुरे में शिरकत फरमाएंगे।